सोहरा रिवान कैसे दोस्तों, मैं आपका साहिल वारू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंपल हेयर कट कैसे करते हैं जिनकी फेड में। आज हम लोग साइड पे गाइस लगाएंगे जीरो नंबर। जीरो नंबर को मिक्सिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, हर एक भाई का सवाल है कि यार साहिल भाई जीरो को मिक्सिंग कैसे करते हैं। आज मैं कुछ आपको आसान सा तरीका बताऊंगा, आप लोग इजिली तरीके से कर सकते हो। कैसे करना है कैसे नहीं करना आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, मेरे पास बड़ी वाली ट्रिमर है, ठीक है, मैं क्या करूँगा जीरो पे रखूंगा। पहले हम लोग नीचे जीरो नंबर लगाएंगे। ठीक है गाइस, आज मैं ना आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप भी कर सकते हो गाइस ऐसे। अगर मान लो आपका कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को साइड में पूरा जीरो चाहिए, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत इजी तरीका है, पर लेकिन इसको मिक्सिंग करने का आज मैंने आपको तरीका बताना है, इसको कैसे करना है। ठीक है, और देखो इस साइड में भी, पर लेकिन ना ज़्यादा ऊपर मत उठाना भाई, ठीक है। जीरो नंबर लगाने के बाद मैं तीन नंबर लगाऊंगा, इसको पहले मैं छोटा करूंगा, ठीक है। देखो फिंगर भी लगा रहा हूँ ताकि ऊपर ना ज़्यादा चढ़ जाए, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। उसके बाद मैं आप नीचे लगाऊंगा कितना नंबर, वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा, ठीक है गाइस। ऐसे कुछ हमारे को करना है, देखो ध्यान से देखना। होगा से लगाएंगे नीचे एक नंबर, ठीक है। उसके बाद हल्की हल्की ना छोटी छोटी लाइन सी दिखती है, वो तो बहुत ईजी तरीका है, ठीक है, पर आपको भी ना थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। मान लो अगर हम लोगों ने नीचे एक नंबर लगाया तो लाइन हल्की दिख रही है तो आधा नंबर लगा लो, ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो है नीचे, इसलिए हमारे को अगर जीरो है ना तो भाई पॉइंट भी इसमें काम आएंगे। पॉइंट इसलिए आएंगे क्योंकि नीचे जीरो हमने लगाई है, अगर जीरो ना होती तो हमारे पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगने थे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब देखो एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, देखो 3 mm का गंगा होता है, क्लच नहीं दाबना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल में ही रखना है, बस टेपर में चलाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग हो रही है ना हमारी, ऐसे कुछ गाइस हमारी मिक्सिंग होगी, जो आपको नीचे हल्की हल्की लाइन नज़र आ रही है ना वो भी आपको बताता हूँ कैसे करनी है, वो कितने पॉइंट पर जाएगी कितने पॉइंट पर नहीं जाएगी, यही चीज़ मेन होती है। और भाई है ना रिक्वेस्ट है ध्यान से देख लिया करो, क्योंकि यार मैं ना इस चैनल पर आपको पूरा सच बताता हूँ, जो भी होता है ना मैं तो यार पूरा डिटेल में समझाता हूँ, शायद कोई और बता पाए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बस एक नंबर मैंने लगा लिया। अच्छा, जिस भाई को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है और समझ आती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके जरूर बताना कहाँ पर मेरी वीडियो देखी जा रही है कहाँ पर नहीं देखी जा रही है, और मुझे अपनी सिटी या स्टेट का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। देखो मैंने एक नंबर लगा लिया, अब देखो आधा नंबर लेंगे, आधा नंबर लेके है ना जो नीचे हल्की की लाइन नज़र आ रही है उसको हम लोगों ने मिक्सिंग करना है। आधा नंबर गाइस मैंने लगा लिया, ठीक है, मैं करूँगा कान को ऐसे प्रेस करूँगा, क्लच पीछे नहीं करना आपने, ऑनलाइन सिंपल ही रखना है। हल्का नीचे प्रेस करेंगे, ठीक है, हल्की हल्की अगर फिर भी नज़र आती है ना लाइन, वो भी आपको बताता हूँ आधा नंबर लगाने के बाद अगर फिर भी आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको उतार लेना, साफ कर लेना, ठीक है, साथ साथ में क्लीन करते रहना, नहीं तो बाल लगते रहेंगे मशीन के ऊपर, फिर आपको दिक्कत करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर रखना है, पॉइंट लगाना और ऊपर को हल्का हल्का इसको मिक्सिंग कर देना, आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर लग रहा है उसको एडजस्टमेंट करो, इसके बाद हेयर कट करो, यार देखो कितना अच्छा हो रहा है। यार सबसे मेन जो बात होती है ना गाइस, ट्रिमर को चलाने की होती है, जिस दिन आपको ट्रिमर चलाने आ गया ना तो भाई आप जीरो को छोड़ो कोई भी हेयर कट आप कर पाओगे, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है। क्योंकि चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मैं इसके बारे में बताऊंगा और ट्रिमर को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे इसको चलाना है कैसे नहीं चलाना, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसे कुछ हमारे को मिक्सिंग करना जैसे मैं कर रहा हूँ,
उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे को मिक्सिंग करनी है। आप देख सकते हो मैं पाउडर से साफ करूंगा गाइस, ठीक है, और आपके सामने है जो जो भी होगा। अब गाइस देखो इसको करना हम लोगों ने मिक्सिंग, छोटे वाले ट्रिमर लेना और ये वाला कंघा लेना, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा कंघा है तो वो भी चल जाएगा, पर लेकिन कंघे को चलाना आना चाहिए। इसको हम लोगों ने मिक्सिंग करना है कुछ ऐसे, देख लो ध्यान से, और जो एक्स्ट्रा होते हैं ना बाल उसको ही हमारे को करना होता है और कुछ नहीं है। जितने मेरे फालतू आएंगे ना कंघे के बीच में खुद ही आपको नजर आ जाएंगे, ऊपर वाले जो होंगे जो फालतू ये वाले हैं वो आपको कैंची के साथ कर देने हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे को मिक्सिंग करना है, ऐसी कुछ हमारी मिक्सिंग होगी, ठीक है ना। और बालों को झाड़ लेना, अगर बालों पे ना गाइस डस्ट वगैरह होती है ना फिर आपका कंघा नहीं चलेगा। पहले पानी मार लो ना अच्छी तरह से, उसके बाद जाके हेयर कट करना, ठीक है। ऊपर वाले बालों को गाइस हम लोग पानी मारेंगे, पानी मार के हल्के हल्के जो बाहर फालतू दिख रहे हैं उसको हम लोग मिक्सिंग करेंगे। अब गाइस देखो जो हल्के हल्के जे वाले बाल है ना हमारे को क्या करना, ऐसे कंघे को टेपर में रख के ना ऊपर ऊपर ले जाना, ऐसे करके ऊपर बीच में लगाना, ऐसे करके नहीं जाना, फिर आपको कट पड़ेगा, ठीक है। और कैंची को आप लोगों ने ऐसे चलाना, ध्यान से देख लो, मैंने जैसे पिछली बार वीडियो में आपको बताया ना, अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता लग गया होगा, जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में बताया कि घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर लो भाई, सही रहोगे तो आपका हाथ भी जल्दी चलने लग जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज भी देखो, गाइस देखो ऐसे कुछ जीरो को मिक्सिंग करना आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर मैं फिर हल्का हल्का पानी मारूंगा, बालों को सेट करूंगा, उसके बाद हल्के हल्के हम लोगों ने ऊपर उसे कट करने हैं, ऊपर से गाइस हल्के हल्के हम लोग कट करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे को बरूबर करने आप देख सकते हो, आगे आगे जैसे मैंने इस साइड में मैं खड़ा हूं ना, जैसे इस साइड में आप लोगों ने ऐसे बढ़ना, आगे हल्के हल्के ऐसे आप लोगों ने कट करने हैं, आपके बरूबर होते रहेंगे। और जेवल चीज होगी साइड पे ऐसे कर लेना, करने के बाद जेवल चीज फालतू बाल होंगे ना आप लोगों ने ऐसे इसको कट करना है। देखो कंघा गाइस इस बीच में हमारा इसलिए फंसता है क्योंकि बालों में डस्ट होती ना जब, फिर हमारा कंघा नहीं बिल्कुल चलेगा, ठीक है। देखो उसके बाद फिर झाड़ के देख लेना, अब देखो मेरा कंघा नहीं चल रहा ना क्योंकि इनके बालों में डस्ट है इसलिए, पर पूरे बरोबर करूँगा एक साथ में मैं, उसके बाद फिर झाड़ूंगा। और लेंथ को मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगर मैं लेंथ को छोड़ दूंगा तो फिर मेरा लेवल इधर उधर हो जाएगा तो मेरे को पता ही लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने भी एक साथ में जाना होता है, अब देखो आगे करेंगे हम लोग कट करेंगे। देखो हल्के हल्के गाइस आप लोगों ने आगे से कट कर देना है। कई बंदे ज्यादा ऊपर उठवाते हैं, वो कस्टमर के हिसाब से करना, अपनी मर्जी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लो जी गाइस आके देखेंगे हम लोग बाल, इन लोगों ने साइड पे झाड़ने हैं और जे वाली चीज है ना मांगा ऐसे झाड़, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग ने ऐसे सेटिंग कर दिया। अगर आपको लग भी रहा हो ना अभी इधर से सेटिंग नहीं है तो आप लोग ने क्या करना है, कैंची उठाना, हल्का हल्का आप लोग ने ऐसे कट कर देना। लो जी अब हम लगाएंगे ब्लेड, हमारा हेयर कट कंप्लीट है। ब्लेड गाइस ज़्यादा बाहर मत रखना, हल्का अंदर रखना, ठीक है। जीवल चीज आपको ऐसे गुलाई में रखनी है, ब्लेड को हल्का सॉफ्ट चलाना है,
और पूरा रगड़ना नहीं है, ठीक है। देखो गाइस, लो जी गाइस, ऐसे गाइस कुछ हमारे को सिंपल हेयर कट फेड में करना होता है। उम्मीद है आप लोग को पता लग गया होगा सिंपल कटिंग फेड में कैसे करते हैं। जैसे गाइस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना, और ऐसे ही करके देखना 100% करें यार, आप लोग बहुत ही अच्छा हेयर कट कर पाओगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, डरना नहीं होता आपको, ठीक है। देखो दिमाग इधर उधर लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, काम पे फोकस करो तो बहुत ही अच्छा आप लोग काम सीख सकते हो। वीडियो कैसी लगी यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करना, आपको अच्छी चैनल इस चैनल पर मिलती रहेगी। जब तक के लिए इतनी अगली वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।